बसमिल वरम्ला दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एक नई इन्फॉमेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बैंक अलफला के डोरमेंट अकाउंट के हवाले से इन्फार्मेशन दूंगा दिन ब दिन जो है बैंकों के हवाले से डिजिटली तौर पर इनको ज़बरदस्त जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है यानी देखें कि अगर बैंकिंग की बात करें कि अब अब जो है दिन ब दिन इसको आसान कर दिया जा रहा है जैसे पहले आप लोगों को अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इकट्ठे करके बाद में वहाँ पे जाना पड़ता था फिर कोई एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता था तो भी अकाउंट ओपन नहीं होता था तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है बहुत सारी बैंकिंग जो हैं वो डिजिटली डिजिटली तौर पे अकाउंट ओपन कर रही है आप लोग उनकी वेबसाइट में जाके ओपन करके या कोई एप्लीकेशन दे रहा है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मीज़ान डिजिटल आसान अकाउंट के हवाले से बताया आ, कोई भी अकाउंट आप लोग डिजिटली तौर पर ओपन कर सकते हैं तो ये मीज़ान बैंक है लेकिन बहुत सारी बैंकिंग जो हैं वो अभी ये सर्विस दे रही है आप लोग डिजिटली तौर पे इसको अकाउंट को ओपन कर सकते हैं तो इसी तरह से हम बात करें डोरमेंट अकाउंट की तो जब आप लोग अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं एक साल तक तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो जाता है तो इसके लिए भी बैंक जाना पड़ता है वहाँ पर बायोमेट्रिक देनी पड़ती है कोई डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ पर सिग्नेचर वहाँ पर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स पर तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खत्म हो रही है जैसे कि मैं बात करूं आज की इस वीडियो में बैंक अल फला की को जो कि वो ज़बरदस्त जो है इसमें सर्विस ऐड कर दी गई है अगर आप लोगों का बैंक अफला का अकाउंट डोरमेंट हुआ है तो आप लोगों को बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोग आसानी से अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बैंक अलफला की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें अगर आप लोग यूज़ करते हैं अपना अकाउंट लॉग इन करके तो आप लोग वहाँ से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं अगर डोरमेंट है तो डॉरमेंट सी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज़बरदस्त जो है वो सर्विस लॉन्च कर दी गई है बैंक अलफला की जानब से इस योर अकाउंट डोरमेंट एक्टिवेट क्विकली एंड ईजिली यूजिंग योर अल्फा ऐप इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम तो तीन तरह से आप लोग अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं आ, अपनी जो एप्लीकेशन है आप लोगों की अल्फ़ा एप्लीकेशन है वहाँ से आप लोग इसको लॉग इन करके वहाँ से आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग जो अगर लैपटॉप है वहाँ से अगर आप करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं और अगर आप लोग ए से करना चाहें तो बैंक अलह की ए टी एम पर जाके वहाँ से भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं तो ज़बरदस्त ये चीज़ है आप लोगों ने क्या करना है लॉगिन अल्फ़ा एप्लीकेशन में जाना है उसको बाद सर्विस में आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना है मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लॉगिन करके भी दिखा देता हूं तो ये चीज़ें ज़बरदस्त है आप लोगों का अगर आप लोगों का अकाउंट डोरमेंट है तो आप लोग बैंक बिल्कुल ना जाएं आप लोग अपना डिजिटली तौर पर इसको एक्टिवेट कर सकते हैं मैं यहाँ पे बैंक अफला को ओपन कर लेता हूँ मेरा अकाउंट है तो डोरमेंट अकाउंट नहीं है लेकिन यहाँ के यहाँ पर आप लोगों को ये सर्विस मिलेगी कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे अपने अल्फा एप्लीकेशन में लॉगिन हो लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरो को आप लोगों ने प्रेस करना है जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना यहां यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है ठीक है ये सर्विसेज में इस पर रेड कलर का निशान जो है वो भी लगा दिया है ताकि आप लोगों को इस बात का पता चल सके यहाँ पर अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आप लोगों ने सर्विसेज पे क्लिक कर लेना है मैं सर्विसेज पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि ज़बरदस्त है ये फला की जो इसमें एप्लीकेशन है बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं आप लोग चेक बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका एक एक का अलग अलग जो है वो मैं समझा दूँगा लेकिन मैं अभी अकाउंट एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप सकते हो ये एक अकाउंट एक्टिवेशन जो मैंने रेड कलर का निशान लगाया हुआ है गोयल दायरा इस पर आप देख सकते हो अकाउंट एक्टिवेशन लिखा हुआ है ठीक है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप क्योंकि लिस्ट ऑफ डोरमेंट अकाउंट जो भी आप लोगों के डोरमेंट अकाउंट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे बाद में उस अकाउंट को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद सबमिट पे करेंगे तो आप लोगों का आप लोगों को एनआईसी नंबर वहाँ पे एंटर करना होगा एन आई सी नंबर इंटर करने के बाद आप लोग जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ओ टी पी कोड रिसीव होगा वो ओ टी पी कोड आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर लेना है जैसे ही आप लोग ओ टी पी कोड एंटर करोगे तो आप लोगों का अकाउंट एक मिनट में एक्टिवेशन हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा डोरमेंसी रिमूव होकर आप लोगों का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा इस तरह से आप लोग अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे और ये ज़बरदस्त सर्विस है और आस्ता आहिस्ता मैं बोलता हूँ कि बाकी बैंकों को भी ऐसा करना चाहिए लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसा ही होगा क्योंकि अभी बहुत ही आसानियाँ जो है वो आ रही है बैंकों में तो अकाउंट जो ये बहुत बड़ा मसला था डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करवाना ठीक है और मैं बताऊं अवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अगर तो वो भी आप अपना अकाउंट जो है वो डोरमेंसी को रिमूव कर सकते हैं ठीक है पा, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो बाहर मुल्कों में भी चलती है उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप लोगों को पता चल सके उन लोगों को पता चल सके उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी बात समझ में आ गई होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप इन तक पहुंच सके अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़